निशिकांत दुबे, सर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं। सर अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए। माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। निशिकांत जी, अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा हाउस। यदि वो हल्ला करेंगे, यह हाउस नहीं चलेगा। प्लीज, आपको मैंने अलाउ नहीं किया है। प्लीज, माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण डिबेट है और महत्वपूर्ण डिबेट में आपके माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, सबने पूरी ध्यान पूर्वक सुनी है। अब निशिकांत जी बोल रहे हैं, आप इस तरीके से डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं है। सदन की तरफ बोलिए निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, अभी मणिपुर की बड़ी चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए खड़ा हुआ। मैं अपने पार्टी के नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी और पूरे पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर पार्टी ने मुझे बोलने के लिए खड़ा किया। अभी मैंने गौरव गोगोई को सुना सर। प्लीज बैठिए। नो कॉन्फिडेंस में चर्चा नहीं करना चाहते आप, बैठिए। मैं बताता हूं आपको। माननीय सदस्यगण, अब प्लीज। माननीय सदस्यगण, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना? पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा।